नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस जादौन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें। यदि आप इस वीडियो का गलत यूज करते हैं, इस ट्रिक का गलत यूज करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारे यूट्यूब चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो का आप किसी भी तरीके से गलत यूज ना करें। दोस्तों कुछ भाई लोगों ने कमेंट में मेरे से ये पूछा था कि हम जियो के इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें आपको जियो ही नहीं, इसके अलावा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी सिम है, कोई सी भी सिम हो, उसके भी उस सिम की इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ट्रिक खतरनाक है। मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे इसमें इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, बिल्कुल लाइव बताऊंगा मैं। और सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है, जिन भाई लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता तो वो इस वीडियो से देख करके सीख लेंगे। तो आप कमेंट करते हैं, काफी लोग तो कुछ गंदे कमेंट करते हैं, तो प्लीज ऐसा ना किया करें, क्योंकि अब यदि आप ऐसे गंदे कमेंट करते हैं तो फिर आप समझते हैं कि ये कमेंट हमें ही नहीं, ये आपको भी लगते हैं। तो गंदे कमेंट ना किया करें, और जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता तो वो सीख जाएंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर करना। और इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे आप नोटिफिकेशन पाते रहेंगे और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। आपके मोबाइल में आपको पता होगा कि एक सेटिंग का ऐप आता है। दोस्तों सेटिंग का ऐप जो मैं आपको राउंड करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा सेटिंग का आप ऐप आता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आप ये सोचते हैं कि ये मेरे जियो की सिम में काम करेगी या उसमें आइडिया में काम करेगी या और किसी अदर सिम में काम करेगी या नहीं करेगी, तो मैं बता दूँ ये सारी सिमों में काम करेगी ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है, और थोड़ी पुरानी भी बोल सकते हैं लेकिन कुछ नई भी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपके मोबाइल नेटवर्क में जाना होगा। अब दोस्तों मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एसएस पॉइंट नेम्स लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं एयरटेल की सिम यूज करता हूँ, आप जियो की करते होंगे या आइडिया की या वोडाफोन की, जिसकी भी यूज करते हैं उसकी टेंशन नहीं है। जैसे मैं एयरटेल की सिम यूज करता हूँ तो यहाँ पे एयरटेल राजस्थान, एयरटेल और एयरटेल एमएमएस ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब हम इसको राजस्थान में चला रहे हैं तो हम यहाँ पर एयरटेल राजस्थान पर क्लिक कर देंगे। यदि आप यूपी में चला रहे हैं तो यूपी पर क्लिक करेगा, एयरटेल यूपी पर क्लिक कर देना। दोस्तों इसके अलावा और भी आते हैं, उन पर क्लिक नहीं करना है। जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में आप चला रहे हैं, उस स्टेट का नाम आता है उसी पर आपको क्लिक करना है, ऐसा क्लिक करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको सिम केबल जो आपके मोबाइल, यदि डबल सिम स्लॉट का है आपका मोबाइल, तो आपको फर्स्ट सिम स्लॉट में आपको सिम लगानी है। यदि आप किस कोई सी भी सिम लगा सकते हैं जिस सिम में आप नेट चलाना चाहते हैं, चाहे जियो की सिम हो या किसी भी अदर कंपनी की सिम हो, उसको आप फर्स्ट स्लॉट में लगाएं उस सिम को। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, यदि ये तब भी नेट नहीं चले तो एक सीधा सा और उपाय बता देता हूँ जिससे आपका नेट बिल्कुल फर्स्ट चलेगा। तो दोस्तों आप ऊपर देख रहे होंगे कि मेरे मोबाइल में जहाँ पर नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ पर देखो ओनली ई लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ओनली ई लिखा हुआ है, मतलब कि मेरे भी नेट सही नहीं चल रहा। तो दोस्तों अब इसको 4G में चलाने के लिए हमको क्या करना है, सीधा सिंपल सा ये आपको एरोप्लेन मोड लिखा हुआ दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर, उस पर आपको क्लिक करना है, उसको ऑन कर देना है। जैसे कि हम ऑन करते हैं, तो दोस्तों अब हम इसको ऑन करेंगे तो अब आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, सारी सिम के नेटवर्क हैं वो चले गए। अब दोस्तों इसको वापस हम ऑफ कर देंगे तो अब यहाँ पर देखना आप 4G नेट चलेगा, आप ऊपर देख सकते हैं नेटवर्क नहीं आ रहे, लेकिन अब 4G नेटवर्क आ जाएगा कि सेकंड सिम में 4G नेटवर्क आ चुका है।
तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी सिम में अपनी जो नेट की स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैंने आपको बता दिया है। आपको एरोप्लेन मोड को पहले ऑन करना है, फिर ऑफ कर देना है, जिससे दोस्तों यदि आपके मोबाइल 5G का भी होगा तो उसमें यदि 5G का स्पीड नहीं आ रही तो बस इसको भी एरोप्लेन मोड करके ऑन करके ऑफ कर देना, आपकी 5G स्पीड में भी चलने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सिम में, जियो में ही नहीं बस बल्कि आप वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया, इनमें भी आप अपने ने जो नेट है उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट बहुत तेज चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो। जय हिंद, वंदे।